अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक, नई सुबह, नए मेहमान, नई सुबह के साथ, नए मेहमानों के साथ। रोज़ाना नया टिकटॉक स्टार भी होता है, हर कोई अपने एरिया का स्टार होता है, घर में किसी का कोई स्टार नहीं चलता, ये भी मैं आपको बता दूँ। और टिकटॉक स्टार अपने एरिया के ऐसे होते हैं, जैसे जौन सी सिटी से आजकल बहुत नाम चल रहा है, जैसे अली हैदराबादी, तो वह पहले हैदराबाद में स्टार था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको दुनिया ने जाना है। ऐसे ही हर कोई अपनी सिटी में बहुत फेमस होता है, बहुत मशहूर होता है, जो कंटेंट लेके चलता है अपना ख़ास तौर पे अपने एरिया में। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, वो भी टिकटॉक की दुनिया से उनका ताल्लुक़ है, और टिकटॉक का क्या शौक़, कब से है टिकटॉक, क्या फ़ायदा, क्या नुकसानात है, आखिर टिकटॉक क्यों बनाते हैं और किसको देख के टिकटॉक बनाना शुरू की, फेवरेट टिकटॉकर कौन है, किसको लाइक करते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं, वो हम इनसे अपने शो में पूछेंगे। तो वेलकम करते हैं अपने शो पे गुलाम कादिर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है लाइफ में? बस टिकटॉक ही है। बस टिकटॉक? टिकटॉक के अलावा कोई लाइफ नहीं है क्या? और भी लाइफ है। क्या? छुट्टी वगैरह होती है, दोस्तों में जाते हैं। क्या करते हैं वैसे? क्या करते हैं? जॉब करता हूं। जॉब? क्या जॉब करते हैं? जॉब है, प्राइवेट जॉब है। ठीक हो गया। टिकटॉक किसको देख के आपने चलाना शुरू की थी? टिकटॉक तो पहले जो मेरे दोस्त थे तो वो बनाते थे, तो मुझे बोलते थे यार आप भी बनाओ। सही है। जो जितने भी जानने वाले थे सारे टिकटॉकर थे, बड़े बड़े। फेवरेट टिकटॉकर कौन है? फेवरेट टिकटॉकर बहुत सारे, किसका नाम लें? किसी का नाम लें, किसी एक का। रस में या मर्दों में? मर्दम शुमारी में, मर्दों में मतलब लड़कों में? लड़कों में। जी जी, लड़कों में तो अली हैदराबादी सही है। अली हैदराबादी? अली हैदराबादी। और गर्ल्स में? ये जो हमारी सिंध की है, अक्सा। अक्सा जमाली। जी जी। आप इनको लाइक करते हैं, मतलब इनकी टिकटॉक्स वगैरह देखते हैं? इनकी टिकटॉक बहुत अच्छी होती है, इसको देखते हैं। और भी बहुत सारे टिकटॉकर हैं ऐसे। अच्छा, आपका क्या टिकटॉक पे क्या, कैसी वीडियोस बनाते हैं? फ़नी बनाते हैं, लिपसिंग करते हैं, डांस करते हैं, मश्करी करते हैं, रोना धोना करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, रोना धोना तो नहीं करते, डांस अच्छा। के भी वीडियो होते हैं और मजाक मस्ती का, जैसे बैठे हुए मजाक। हमारे यहाँ पे कैमरा मैन है ना, वो सबके फ़ोन साइलेंट पर कराते हैं, अपना नहीं करते कंटिन्यू। अच्छा, तो रोना धोना नहीं करते, बस लोगों को हंसाते हैं। जी जी, तो ये तो अच्छी बात है, हंसाते हैं, अच्छा कॉन्टेंट है। जी, तो लाइफ में कभी किसी से कोई गिला, कोई शिकवा, कोई गम जो शेयर करना चाहें? ऐसा तो कोई गम नहीं मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी जरदारी साहब की तरह देखें ना, कोई हम ऐसा दिल रखते ही नहीं है जो टूटे। अच्छा अच्छा, ये बात है। नहीं नहीं, दिल तो टूटता भी है। दिल है, बिजली का बिल है, टूटता भी है, जुड़ता भी है, क्या हो गया भाई? देखें, जब कोई किसी से प्यार करेगा तो दिल टूटेगा, लाजमी बात है। आजकल वफा तो नहीं मिलती, दगाई दगाई। अगर अच्छा काम करेगा तो उसको अच्छा सिला मिलेगा। सही बात है जी। तो वफा नहीं मिलती, इसका रीज़न? वफा क्योंकि इस दौर में पहली बात तो प्यार करना नहीं चाहिए। इस दौर में प्यार नहीं करना चाहिए। क्या बात है, ये तो आपने दिल की बात की, पत्ते वाली। अगर प्यार कर रहे तो फिर वो सोच समझ के करे, मैं तो यही कहूँगा, सोच समझ के करना। जी जी बिल्कुल। बस आजकल के पास लोगों के पास अकल नहीं है, जैसे मेरे पास भी कभी कभी चली जाती है। अच्छा। हालांकि शो करती हूँ, सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी ना अकल घास चरने चली जाती है। तो आपकी बात ठीक है, इंसान को अकल का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो खैर, लाइफ है, लाइफ में ऐसे हादसा होते रहते हैं, और मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? अच्छा दोस्त कौन है आपका, जो आपके साथ रहा है, जिसने आपको साथ निभाया है, जो अब तक आपके साथ है? दोस्त तो बहुत हैं अच्छे, अब मैं ऐसे नाम नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसे कोई प्यारे प्यारे दोस्त हैं कि वो नाराज़ हो जाएंगे। अच्छा जी, आपकी टिकटॉक वीडियोस कौन बनाता है? मेरे दोस्त बनाते हैं, एक दोस्त है मेरा जो। सब इतने सारे दोस्त बनाते हैं, कोई एक नहीं बनाता? जैसे मतलब कि चार पाँच साथ में बंदे बैठ गए, उसके बाद एक वीडियो बनाएगा। अगर अकेले में बनानी है तो मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ होता है उधर, वही बनाते हैं मेरी। ठीक हो गया। अच्छा ये मुझे बताएं, टिकटॉक का पैसे नहीं देता, ठीक है, ऐसा ये तो आप टिकटॉक पे अपना टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हैं? देखें, टिकटॉक पैसे नहीं देता, मैं मानता हूँ, लेकिन टिकटॉक में ये है कि बंदे को इज्जत मिलती है, अच्छे अच्छे दोस्त मिलते हैं, जो हमारी सोच भी नहीं है उससे भी अच्छे अच्छे दोस्त मिल जाते हैं। जैसे भाई आप टिकटॉक बनाते हो,
हमसे पूछेंगे हम बोलेंगे बिल्कुल बनाते हैं, बोलेंगे हम भी बनाते हैं, तो ये हो गया दोस्ती का मतलब। तो इस तरीके से दोस्त बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं, ये टिकटॉक में फ़ायदा है। ठीक हो गया। तो अच्छा ये मुझे बताएं फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ज़िंदगी में आगे क्या करना है आपको? ज़िंदगी में, ज़िंदगी तो बस यही मैं कहूँगा कि अच्छे रहो और अच्छे ताल्लुकात रख लोगों के साथ, जैसे कोई कभी जाए तो बंदा याद करे। कहाँ जाए? ऊपर जाए। हाँ ऊपर जाए, जाहिर सी बात जाना तो है ना एक दिन। मैंने एकदम एकदम मैंने सुन के थोड़ा मुझे मैं रुक गई। कहते हैं ज़िंदगी में बंदों के ऐसे ताल्लुकात रखो बंदों के साथ, बंदा जाए तो कोई याद करे ना, कहाँ जाए? ऊपर जाए बोला। हाँ ऊपर ही जाना और कहाँ जाना है। तो आपको लगता है बहुत जल्दी ये जाने की या भिजवाने की किसी को? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है जी। फैमिली सपोर्ट है आपको? जी बिल्कुल है। फैमिली में ये सीन तो नहीं है टिकटॉक पे कितने लाइक हैं बाबा? 3 लाइक हैं। एक अम्मी लाइक करती है, एक अब्बू लाइक करता है, एक भाई लाइक करता है। आपका क्या सीन है, कुछ ऐसा सीन है? नहीं नहीं नहीं, अब्बू मेरा बनाता है टिकटॉक ना अम्मी बनाती है। ठीक हो गया। और जैसे दूसरे बनाते हैं सारे कज़न मेरे और सपोर्ट करते हैं, अब्बू लोग बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आपको इज्जत मिल रही है तो आप बनाओ, बस यही बोलते हैं। फैंस मिलते हैं? फैंस हाँ बहुत नए नए मिलते हैं टिकटॉक पे, बहुत नए नए। अच्छा क्या बोलते हैं आपको? आप मुझे यही बोलते हैं कि आप इतनी जल्दी आपको कैसे इज्जत मिली? मैं बोलता हूँ ये तो बस मैं तो कुछ नहीं बता सकता, ये तो अल्लाह की तरफ से या वो दोस्त जो सपोर्ट कर रहे हैं उनकी तरफ से। यार मुझे भी मशहूर करें। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर हैं, और क्या करना चाहते हैं? नहीं मुझे फेमस करें, मुझे ना बस मैं कहती हूँ तारा लाला को दुनिया जाने, तारा तारा बोलें, सबके मुँह पर तारा हो, और थोड़ी हेल्प करें आप। बिल्कुल करेंगे। आप अपने अकाउंट पर मेरी वीडियो पोस्ट करें, मैं मशहूर हूँ। अब वैसे भी मशहूर है, आपको क्या बताऊँ? नहीं ऐसी बात नहीं, मेरे शुगल कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। सबको अल्लाह पाक इज्जत दे, मेरी दुआ है। और जितने भी हमारे नए यूज़र्स हैं सबकी सपोर्ट, सबको मेरी सपोर्ट है जितना हो सकता है। फिलहाल तो मेरे अकाउंट्स को भी बहुत रिपोर्टें लग रही हैं, मैं कुछ नहीं कह सकती, बहुत रिपोर्ट्स आ रही हैं। और मेहरबानी करके रिपोर्ट्स लगाने वाले रिपोर्ट्स लगाना छोड़ दें, लेकिन फिर भी लगा रहे हैं तो फिर सही से लगाएं, अकाउंट बैंड करें ताकि हम नया बनाएं। ये है ज़िंदगी का जो है, किसकी कहानी थी? ग़ुलाम अब्बास की, ग़ुलाम कादिर, ग़ुलाम कादिर की ये कहानी थी। और ग़ुलाम कादिर की आईडी टिकटॉक की किस नाम से है? ग़ुलाम कादिर 5 नंबर, ग़ुलाम कादिर जतोई 5 नंबर। 5 नंबर जी, ग़ुलाम कादिर जतोई 5 आईडी है। इसको आप जाके सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। ऐसे तो मैं वीडियोस बना के देती हूँ, आज मैं आपको लाइव बोल रही हूँ। तो ये जो है कुछ शेयर करना चाहेंगे, किसी को कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने व्यूवर्स को, देखने वालों को? बस मैं यही बोलूँगा कि उनको ज़िंदगी में खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अपनों में घूमें, और अपने जो माँ बाप हैं उनकी इज्जत करें, क्योंकि माँ बाप के बगैर तो बंदा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, मैं भी आप सबको ये कहूँगी खुशियाँ बांटें, गम देने वाले बहुत लोग हैं, गम देने वाली दुनिया पड़ी है, खुश रहें, खुद को खुश खुद रख सकते हैं। ज़िंदगी में कोई इंसान किसी को हैप्पीनेस नहीं देता, कोई खुशियाँ नहीं देता इवन। और खुशी एक ऐसी चीज़ है जो पैसों से ख़रीदी नहीं जाती, इंसान पैसों से हर चीज़ ख़रीद सकता है हर चीज़, और एक सुकून और एक खुशी होती है जो नहीं खरीदी जा सकती। और ये छोटी छोटी खुशियाँ मनाएं जो आपके पास, आपके इर्द गिर्द, आपके दोस्तों में, आपके फ्रेंड्स में, आपके एरियाज़ में, आपकी ऑफिसेज में, आपके अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनमें होती है, तो इसको आप सेलिब्रेट किया करें। और ख़ुद को इंसान खुद कुछ खुश रखता है, कोई इंसान किसी को खुश नहीं रख सकता। और दूसरी बात ये है मोहब्बत करने वाले मोहब्बत बांटें, प्यार करने वाले प्यार बांटें, ये मेरा आज का मैसेज है। नफ़रत करना छोड़ दें एक दूसरे से, और टिकटॉक पे रिपोर्ट्स मारने वाले रिपोर्ट्स करना भी छोड़ दें। ग़ुलाम कादिर की आईडी है, इसको भी सपोर्ट करें। और जो जो न्यू यूज़र्स हैं, जो जो मेरे शो पे आना चाहते हैं, वो इंस्टाग्राम है आल एंड न्यूज़ की, वहाँ पे जाए विज़िट करें, वहाँ पे फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हैं। या ताहिरा स्टंट गर्ल इंस्टा आईडी है, वहाँ पे मैं कम रिप्लाई देती हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है सबको एट अ टाइम रिस्पॉन्स देना। जैसे जैसे मैसेज मैं रेड आउट करती हूँ, कोशिश होती है सबको रिस्पॉन्स दूँ। तो आप आरएनएन न्यूज़ पे मेरे शो के हवाले से कांटेक्ट कर सकते हैं, आ सकते हैं, अपना आईडी का एसएस भेजें, स्क्रीनशॉट भेजें, अपना टैलेंट शो करें। ज़रूरी नहीं है कि टिकटॉकर्स आ सकते हैं, सिंगर्स आ सकते हैं, और कोई भी न्यू टैलेंट जिसके पास टैलेंट है वो आके शो कर सकता है मॉर्निंग शो विद तारा तारा पर। और अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। और ग़ुलाम कादिर कहाँ से आए थे आज आप? मैं ये मत कीजिएगा ये बाजी, आप तो ईद कमर्शल में रहते हैं, पिछले वाली गली से उठ के आया था हैदर की तरह। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं कराक सिंह पे आया।
क्रॉसिंग से आए हैं, करंगी क्रॉसिंग से। आप, किसने बोला था कि आज तारा का शो है? मेरा दोस्त था, उसने बोला था मुझे। हैदर ने बताया था? अली हैदर भाई। तो क्या फीलिंग्स थी, कुछ शेयर करें शो पर। बस अली हैदर भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, और सबकी सपोर्ट करते हैं चाहे जो भी हो। और चाहे नंदा युदर हो, बड़ा युदर हो, जो भी हो, टिकटॉकर भी बहुत ऐसे थे जो अली हैदर भाई ने भेजे हैं। चाहे तो चाहे नंदा यूजर हो, चाहे बड़ा यूजर हो, बाबा सही उर्दू शो है, सिंधी की तरफ से, चाहे नंदा यूजर हो, चाहे बड़ा यूजर हो, जबान है ना। चलो खैर, सबकी वो सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छे इंसान है अली भाई। मेरे शो पे आके आपको कैसा लगा है, मुझसे मिलके आपको कैसा लगा है, क्या कमेंट देंगे मेरे लिए? अच्छा लगा तो अच्छे कमेंट दीजिएगा, बुरा लगा तो भले आप लाइव बुराई करके जा सकते हो। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा शो था माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई आपके शो में आके। अल्लाह पाक आपको और इज्जत दे, हमारी यही दुआ है। थैंक यू सो मच, मेहरबानी कुर्ब बाबा। तो ये है हमारा सिंध वालों का प्यार, सिंध लोगों का प्यार जो कि देते हैं जब भी मेरे शो पे आते हैं। ख़ास तौर पे जब कोई मुझे मेरा अपना सिंधी मिलता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार अपना। और आज तो जतोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो जतोई साहब ने भी बोला कि भाई मैं आईडी बनाऊं। आपके घर में और भी टिकटॉक्स बनाते हैं कोई बहन भाई? कोई नहीं बनाता, कोई भी नहीं बना। आपका भाई है कोई? भाई नहीं, चाचू के बेटे हैं वो बनाते हैं। आप एक ही हैं जी? आप एक ही पीस हैं? नहीं नहीं, एक पीस नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह भाई हैं मेरे, दूसरे तीन भाई हैं। अच्छा, वो नहीं बनाते? वो नहीं। ठीक हो गया। तो आपको ये बीमारी लगी तो उनको नहीं लगी आपको देखकर? नहीं, पहले जो था कि जैसे मतलब दोस्त वगैरह बनाते, मैंने आपको पहले भी बताया ना, तो उन्होंने बोला आप टिकटॉक बनाओ। मैंने पहले बना रहा था, फिर बीच में मेरी आईडी बैंड हो गई, किसी ने रिपोर्ट लगा दी, तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर ऐसे दोस्त दोबारा मिल गए तो वो बोले यार बनाओ, हम बना रहे हैं, आपकी सपोर्ट करेंगे। मैंने बोला अच्छा ठीक है। आपकी तालीम, स्टडी किया, पढ़ाई का शौक था? नहीं है। नहीं, तालीम तो मैंने नहीं की। कुरान पाक पढ़ा हुआ है माशाल्लाह। बाकी तालीम, कुरान की तालीम ज़रूरी है जो आपने हासिल की है, तो स्टडी आप अभी भी कर सकते हो अगर करना चाहो। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। पढ़ाई से दूर भागते हैं? नहीं नहीं। कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं वैसे आप? ज़िला घोटकी। घोटकी के हो जी? जी हो, मेरे शहर के हो इसका मतलब। अच्छा, आपको पता है आज मेरे स्टूडियो में, मैं कल घोटकी से आई हूँ वापस। अच्छा, तो कल जो है मैं घोटकी से वापस आई हूँ और मेरे पूरे स्टूडियो में आज घोटकी के पेड़े चल रहे हैं मशहूर। अच्छा, मैं लेकर आई हूँ, मैं लाइव बता रही हूँ कि फिर मत कहना घोटकी से तारा रारा आई है, कुछ लेके नहीं आई। मैं हर चीज़ जो मैं लाती हूँ मैं लाइव बोल के जाती हूँ, बाद में ये लोग मुकर नहीं जाएं, मैं इनको क्लिप निकाल के दिखा सकूं कि तारा लेकर आई थी पेड़े। और साध ने तो ज़्यादा खाए हैं, नवाज भाई साध हमारे सब जो हैं बहुत अच्छे टीम का हिस्सा हैं, ऐसे ही सब मेहनत कर रहे हैं। और ये भी मैं बताती चलूँ, थोड़ी बता दूँ जी, क्योंकि मेरे पेट में बात कोई रहती नहीं है, तो मैं बता देती हूँ कि हमारे जो है सेंचुरी साल होने वाला है अपने आरएनएन न्यूज़ को, तो इसकी हम बहुत अच्छी बड़ी सेरेमनी भी करने जा रहे हैं बहुत जल्द। तो आप लोग वो ज़रूर देखिएगा जिसमें तारा रारा पहले दिन से सेरेमनी तक साथ निभाया है और आगे भी निभाएगी अपना आरएनएन न्यूज़ का साथ। तो बहुत अच्छी सेरेमनी होगी, वो भी आप देखना मत भूलिएगा। उसकी तैयारियाँ जोश व खरोश से हमारे स्टूडियो में, हमारे कुलीग्स में चल रही हैं। आप देखें क्या होता है, क्या क्या उसमें इवेंट्स होते हैं, क्या सरप्राइजेज़ होते हैं। तो वेट करें आप सब लोग, मुझे भी इंतज़ार है ख़ुद। मैं कल घुटकी से आई हूँ तो अब मैंने बोला भाई मीटिंग करें, क्या है क्या सीन नहीं है, हमें बहुत वेट है, हमारे व्यूवर्स को बहुत वेट है। और वहाँ पर अगर पब्लिक की परमिशन हुई तो मैं आपको ज़रूर दावत भी दूंगी। तो रखें अपना बहुत सारा ख्याल, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, आपके अपनी फेवरेट पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।